नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल के आवास पर, जहां आज वैश्य अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के बिहार रहे मंत्री बृहस्पति बिहारी प्रसाद जी का आज पुण्यतिथि मनाया गया है, जहां पूरे वैश्य समाज के द्वारा जो है आज उनको पुण्यतिथि और सलाहदी सभा का आयोजित की गई है। हमारे साथ न्यूज़ फॉर टुडे से खास बात करने के लिए बेगूसराय के नगर निगम के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल जी हैं, जहां वैश्य अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के द्वारा लगातार समाज के कार्य को काम करते थे। आज जो है बृहस्पति बिहारी प्रसाद सिंह का पुण्यतिथि मनाया गया है, जहां वो बिहार में मंत्री थे और उनकी पत्नी अभी भी सांसद है, और ऐसे समाज के लोग को यहां के बिहार के लोग जो बर्गस्त लोग होते हैं उनकी हत्या कर दी गई। क्या कुछ है उनकी हकीकत, हम पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल जी से जानना चाहेंगे। सर आपका नमस्कार, न्यूज़ फॉर टुडे में। देखिए, हम ब्रिज शहीद ब्रिज बिहारी प्रसाद जी हमारे वैश्य समाज के धरोहर थे और सामाजिक न्याय के आदमी थे, और कुछ सामंतवादियों ने उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, हो सकता था कल वो चीफ मिनिस्टर भी होते, तो उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्होंने AIGMS में वो भर्ती थे अस्पताल में, वहाँ जा करके उसमें घुस करके उनको गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी। वो सामाजिक न्याय के आदमी थे और कुछ सामंतवादी लोग उनकी हत्या की, और वो हमेशा गरीब वैश्य के बढ़ाने में लगे रहते थे। बहुत शक्तिशाली थे वे, मुजफ्फरपुर में उनकी तूती बोलती थी, और जो सामंतवादी थे, माफिया तत्व थे, जो चाहते थे कि हम बिहार को लूट लें, वो लूटने नहीं देते थे। उनकी पत्नी रमा देवी उनकी मृत्यु के बाद, उनकी शहीद होने के बाद लालू प्रसाद ने उनको बिहार का PhD मिनिस्टर भी बनाया था, और वो अभी लगातार 2-3 बार वो सांसद भी रह चुकी हैं, और अभी वो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं। तो मैं उन्हें अपना श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं, और हम लोगों को उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर हम लोगों को चलना है। जो गरीबों की लड़ाई, दलितों पिछड़ों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और सामंतवादियों को हम लोगों को दिखाना है कि हम लोग में भी दम है। तो जिस तरह बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसे क्या होगा कि कुछ लोग ही, कुछ जाति के लोग ही अपना हमेशा वर्चस्व बनाए रहते हैं, उनकी संख्या कम भी, हम किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, कोई भी आदमी माने जो कम जनसंख्या वाले भी आदमी हैं वो यहाँ अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं। तो हमारा कहना है कि और भी बहुत जाति के लोग हैं जो कम संख्या में हैं, जिनको सामाजिक राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिलता है, और वही लोग कम जनसंख्या वाले ही चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, कम जनसंख्या वाले ही पूरे राज्य के शासन में मंत्री और सब बन जाते हैं, और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो लोग आगे नहीं आ पाते हैं। तो जातीय जनगणना से कम पता चलेगा कि कौन जाति की संख्या क्या है, और उसके प्रोपोर्शन में सभी को राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी मिलनी चाहिए, ये पता लगेगा। केवल कुछ ही लोग आगे बढ़ें नहीं, ये देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए ज़रूरी है जातीय जनगणना। बस